सत्तू जी बात क्या हमें, कम से कम ये तो बताइए। सत्तू जी प्लीज दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी गिर सकती हैं। हमने क्या किया और आप इतना गुस्से में क्यों है? मां साहब से मिलने के लिए आपने सेल में गार्ड को रिश्वत दी, जिसकी वजह से उन्होंने मां साहब को मारा है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस कीजिए परी जी, और झूठ नहीं सुन सकते हम। अरे हमारा यकीन मानिए सत्तू जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मां साहब को तकलीफ पहुंचे। वो तो दिख ही रहा है ना, आपकी वजह से आज मां साहब जेल के अंदर सड़ रही है। सत्तू जी हम कितनी बार बोले आपसे कि हमने केस मां साहब के खिलाफ किया ही नहीं है, हमारा यकीन मानिए, हमने किसी को रिश्वत दी ही नहीं। हमसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आपको यकीन नहीं है ना हम पे? इसी अग्नि को साक्षी मान के हमने आपके साथ साथ फेरे लिए थे, और आज इसी अग्नि की कसम खा के कहते हैं कि हमने रिश्वत नहीं दी है। आपको जेल के गार्ड ने मारा, किसके कहने पर? मां साहब जेल में सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा कि इस खेल के पीछे आखिर है कौन। मैम आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा कुमारी से मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सर, वो आज के अगले एक हफ्ते तक किसी से नहीं मिल सकते, उनका ऑलरेडी एक हफ्ते का शेड्यूल लाइंड अप है। मैम हमारी माँ जेल में है, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेगुनाह है, और अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे तो मैम हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज हमें कुमारी से मिलवा दीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अरे ऐसे कैसे मदद, ठीक है वो जब तक आने जाते हम ही बैठेंगे। अरे कुमार सर, सर मेरे को दो मिनट आपसे बात करनी थी। मेरे पास किसी से बात करने के लिए वक्त नहीं है। सर हमारी माँ जेल में है, सर हमने सुना है कि इंसाफ से ज्यादा इंसाफ दिलाने वाला बड़ा होता है। सर हमारी माँ बिल्कुल बेगुनाह है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हमें पता है कि आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, और एक आप ही हैं जो एक बेटे को अपनी माँ से मिला सकते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने ऐसा किया क्या है? सर हमारी माँ का नाम भावना देवी है, और दूध सागर की मालकिन है, और उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। आप लोग मां साहब के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। हाँ सर, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। और अब के बाद अगर इस तरीके की हरकत हुई तो मुकदमा आपके ऊपर होगा। सत्तू जी शांत हो जाइए, ये सब दूध सागर के कर्मचारियों और रिटेलर्स के दस्तक है। तकरीबन 1000 लोग मां साहब के पक्ष में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, और 10-15 प्रमुख कर्मचारी हमारे साथ आए हैं, और बाकी के सत्तू जी ने दस्तखत लिए हुए हैं। ठीक है, हम इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। वकील साहब, शुक्रिया वकील साहब, आपने हमारे लिए मां साहब के लिए जो वक्त निकाला, शुक्रिया। निकालना ही पड़ा। आई विश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह ही बने और अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर गुजरे। और हाँ एक बात, हम दिखा सकते हैं दूध में मिलावट की वजह तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से जो भी नुकसान हुए माँ साहब ऑलरेडी उसका मुआवजा दे चुकी हैं। इससे हम माँ साहब को बआसानी बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं केस की तैयारी करता हूँ। जी वकील साहब, जितना जल्दी हो सके माँ साहब को यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए बस।
श्योर सर, चिंता मत करो। माँ साहब, हमने दवाइयों के लिए बोल दिया है, दवाइयाँ आ जाएंगी, तब तक आप कुछ खा लीजिए। अरे ये क्या, हमने घर से खाना भिजवाया था। माफ करना सत्येंद्र जी, कल जो घूस कांड हुआ उसके बाद किसी भी चीज का आना मना है। कोई बात नहीं सत्तू बेटा, तो चिंता मत कर, मैं ये खा लूंगी। मैं मुझे माफ करना सत्तू बेटा, जब तक तू मुझे इस हाल में नहीं देखेगा तब तक उस लड़की के लिए तेरी नफरत नहीं बढ़ेगा। जयराम जी की पूजा की सब तैयारियां हो गई? पूजा? नहीं नहीं पंडित जी, आप शायद गलत घर में आ गए हैं। हम सही जगह आए हैं, यहीं पर हमें बुलाया गया था। पर पूजा रखी किसने है? हमने। ग्रह शांति और माँ साहब जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, इसलिए। वो तो ठीक है, लेकिन पूजा की तैयारी? सारी तैयारी हमने कर ली है। शराबी जल्दी आओ, पंडित जी आइए आप हमारे साथ। जी चढ़ के आनी तो 900 चूहे खाकर बिल्ली आज को चल रही है। बिल्कुल सही कह रही हो मंजलि, पहले तो माँ साहब को जेल भिजवा दिया, हरा ये पूजा का ढोंग। ये मत सोचो कि उसने क्या किया, आज उसने जो भी किया है मेरी भावना की भलाई के लिए किया है, जैसे एक अच्छी बहू को करना चाहिए। शराबी जी तो हो गई पूजा की तैयारी? सब तैयारियां हो गई है। क्या हुआ, तुम लोग तीनों नहीं चाहती हो ना कि मेरी भावना जेल से बाहर निकले? नहीं नहीं दे दो, हम तो चाहते हैं। तो आओ ना बैठो। जी दे दो। जी कर ले जो करना है, लेकिन अब तेरी चाल माँ साहब को समझ में आ रही है। अब पूजा संपन्न हुई, घर की बहुएं माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो अब आप सब दीवार के कोने में जाकर के अपने हाथों का छापा दे दीजिए, जिससे इस घर में कोई बुरी बला ना आए। क्या पंडित जी, लाइए पहले हम लगा देते हैं। अरे रे, ऐसे कैसे हम? इस घर की बड़ी बहू हम हैं, इसलिए शुरुआत भी हम ही से होगी। पंडित जी लाइए, हमें दीजिए। भगवान जी आपसे यही प्रार्थना है हमारी कि गुनहगार इस घर का ना हो।
ये लीजिए पंडित जी। भगवान आपको खुश रखे। पंडित जी आशीर्वाद हमें नहीं हमारे घर को दीजिए, जिससे पहले जैसा खुशहाल हो जाए। भगवान आपकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा हम चलें। जय श्री राम। भगवान जी बस हमारा डर गलत साबित हो। आखिर करना क्या चाहती है ये? थैंक यू भगवान जी, ये बड़ी भाभी का नहीं है, मंजली भाभी का भी ना हो। थैंक यू भगवान जी। बस अब ये हाथ का छापा इस निशान से ना मिले तो हमारी जान में जाना है। ये लाइट को क्या हो गया? अरे कोई है सिपाही? ये लाइट को क्या हो गया? इसका मतलब बबीता? माफ करिए माँ साहब, बत्ती चली गई, जनरेटर चलवा रहे हैं। जाओ जाके जल्दी चालू करो। जी। से बिना पूछे तुम अंदर कैसे आई? इतनी भी तमीज नहीं है तुम में? तमीज तो बहुत है, इसलिए आपकी इज्जत की फिक्र करते हुए हम आपसे अंदर आके बात कर रहे हैं। कहना क्या चाहती हो? ये हैं लाल गत्ते से रेल मास्टर की तरह हमें सिग्नल दे रही हो कि हम आगे ना बढ़े। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब इसे आप ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा आपको कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। ये आपके हाथ का छापा है, स्टोर रूम में मिला है हमें ये, ठीक उसी जगह पर जहां दूध में मिलावट का केमिकल रखा हुआ था। मिलावट? क्या बकवास कर रही हो तुम? मां साहब के बाद क्या आप तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रही हो? शायद आप ठीक ही कह रही हैं। क्या पता कि हम ही गलत हो, कोई और हो जो ये सब कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पुलिस को ही बुला लेते हैं, फिर वो उनके खोजी कुत्ते असली मुजरिम को खुद ढूंढ निकालेंगे।
मनुज बत्ती को भी अभी जाना था। हेलो। हाँ भैया, हम बोल रहे हैं। हाँ एक मिनट। दशमिश को सारा सच पता चल गया है केमिकल का। हमें डरा धमका के गई है कि पुलिस को जल्द से जल्द बता देगी और वो सारी सच्चाई उगलवा लेगी हम सबसे। ऐसे में हम तो आएंगे ही लपेटे में, लेकिन उस दशमिश को आप तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बड़े भैया। कुछ करिए वरना ये लड़की हमारी लंका में आग लगा देगी। अरे बावरेपन के दौरे पड़ते हैं क्या तुमको, जो घर में ये सब बातें कर रही हो? अगर किसी ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी। कोई नहीं है यहाँ पर, आपकी तरह काम नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम परी से सवाल जवाब कर रही थी तब तुम कमरे में थी? हाँ। अरे हूँ क्या, तुम्हारे दिमाग तुम्हारी अकल से निकल गया है क्या कि घर में कैमरे लगे थे? हमें जवाब चाहिए बबीता आपसे। क्या बड़े भैया भी आपके साथ शामिल हैं दूध की मिलावट में? बताइए हमें। हे भगवान, ये नहीं रुकने वाली, लेकिन इससे पहले ही हमें फंसाए हमें पासा पलटना ही होगा। ये परी सुबह से हमारे पीछे ही पड़ गई है, न जाने क्यों हमारी जासूसी कर रही है। वो हमारे साथ जेल में है और यहाँ हम बताएं भी तो कैसे बताएं? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें आपकी ये चालें और ये खेल समझ नहीं आता। क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे हम तो सिर्फ बस ये इस घर को तोड़ना चाहती है। बबीता क्या हुआ? देखिए ना, हमें लगा बिन माँ की बच्ची है, दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं होगी इन्हें, तो ऐसे में हम घर वालों का प्यार और साथ चाहिए होगा इन्हें। लेकिन ये लड़की इस घर को तुड़वा के ही रहेगी। इन्हें रिश्तों की कदर ही नहीं है। पहले माँ साहब को जेल भिजवा दिया, अब ये कह रही है कि हमने दूध में मिलावट की है। हम तो आज तक फैक्ट्री के अंदर तक भी नहीं गए, आप सब तो जानते हैं ना। हमारी बात कल को ये बड़े भैया पे इल्जाम डाल देंगे। मंजली भैया पर, और फिर एक दिन कहेंगे कि सत्तू जी ही इस घोटाले के मुखिया हैं। बस कीजिए, क्या बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से? अरे बस तो आप कीजिए, आपको पता नहीं है इस घर में हम वही करते हैं जो माँ साहब कहती हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? अगर आप ये चाहती हैं कि हम सब इस घर से चले जाएं और आप इस घर की मालकिन बन जाएं, तो ठीक है चले जाएंगे। अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। बबीता अगर ये यहां नहीं रहेगी तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। जा रहे हैं हम, चलो बबीता। मैं भी साथ चलता। चलिए जी, हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। रह तू यहाँ अकेले। चलो चलो। अरे एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए।
कोई कहीं नहीं जाएगा। देखिए इस जगह को देखिए, जानती है यहाँ पे मां साहब रोज दिया क्यों जलाती है? जिससे कि इस पेड़ की जड़ों की तरह मजबूती से रिश्तों की बुनियादों पे ये घर खड़ा रहे। ये भगवान, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के भगवान हैं, लेकिन सब पवित्र हैं हमारे रिश्तों की तरह। ये पौधा अब तक जिंदा था, पर अभी गमला टूट गया, तो ये पौधा भी जिंदा नहीं रहेगा। इस गमले की तरह हमारे परिवार को भी आप तोड़ देना चाहते हैं, जबकि इस घड़ी में हम सबको एकजुट के रहना चाहिए, एक मुट्ठी बन के रहना चाहिए।